नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। फैंस भी इस मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटेड है। देखिए ये रिपोर्ट। आईपीएल 2022 के 40वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। दोनों के बीच इस सीजन का ये दूसरा मुकाबला होगा। पहले मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने 8 विकेट से एक रोमांचक जीत दर्ज की। दोनों ही टीमें आईपीएल के इस सीजन में कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अपने 7 में से 6 मैच जीतकर गुजरात टाइटंस पहले पायदान पर है, वही सनराइजर्स हैदराबाद 7 में से 5 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर काबिज है। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही टीमें इस साल शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। केकेआर के खिलाफ अपने पिछले मैच में गुजरात को एक बड़ी जीत हासिल हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने केकेआर के खिलाफ 156 रनों का स्कोर खड़ा रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 20 ओवरों में 148 रन ही बनाने में कामयाब हो पाई। वहीं अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की टीम को भी बैंगलोर के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में जीत हासिल हुई थी। पहले गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद ने 68 रनों पर ही आरसीबी की पूरी टोली को पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ी ही आसानी से अपने 8वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। पॉइंट्स टेबल के पहले पायदान पर पहुंचने के लिए हो रहे इस मुकाबले को दोनों ही टीमें अपने नाम करना चाहेंगी। बहरहाल दोनों ही टीमों में धुरंधरों की भरमार है। जहां एक तरफ गुजरात की टीम में हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और राशिद खान जैसे खिलाड़ी हैं, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में भी केन विलियमसन, निकोलस पुरन और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज मौजूद हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस